व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रेशियो। कैरेक्टर ढीला है गाना कितना हिट हुआ था जब, जिसमें सलमान खान थे, तो अब उसका 2.0 वर्जन आ चुका है फ्रॉम द मूवी शहजादा स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कृति। हाल ही में जब भूल भुलैया 2 का टाइटल ट्रैक आया था वो भी काफी अच्छा लगा था और कार्तिक ने बहुत ही बढ़िया काम किया था उसमें भी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या डांस मूव देखने को मिलने वाले हैं। प्रीतम का म्यूजिक है एंड नीरज की आवाज है, नीरज श्रीधर की। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे वीडियो को, लाइक 1 2 3 गो। जैसे तो भूल भुलैया का जो ट्रैक था उसमें याद है तेरे को, इसी ने जो वो सेट था इसी तरीके का था, थोड़ा सा ब्लूइश लाइटिंग इसमें भी। और डांस मूव्स के तो भाई साहब हम फैन हो ही रखे हैं कार्तिक के। जो उस कार्तिक ने पहली बार तो ये प्रूव किया है, चाहे एक्टिंग स्किल्स हो चाहे हर तरह से डांस हो, और पर्सनैलिटी तो वैसे ही निकल के आती है मुझे बढ़िया। और ये कैरेक्टर्स मैं कहता हूँ ना, कार्तिक हमेशा सूट करता है थोड़ा सा इस तरह के चुलबुले से, मस्ती वाले कॉमेडी वाले। नो डाउट इन्होंने अपनी उस तरह की एक्टिंग से भी बहुत प्रूव करके दिखाया, जाए धमाका में एक्टिंग देखी थी या फ्रेडी में देखी थी। फ्रेडी की तो हाँ वो तो बहुत ही वैसा इस गाने में भाई साहब। देखो मेन लाइन जो है वो तो है, लेकिन काफी लिरिक्स चेंज है, चेंज है म्यूजिक वो भी मुझे है। पुरानी तो मुझे एक दो ही लगी। इनफैक्ट जो मेन भी थी ना, इशक के नाम पे कर, वो भी नहीं थी इसमें, इसमें अलग थी, अलग कर रखा है। और प्लस जिस तरीके एक वो स्टेप अच्छा था चश्मे के साथ, और एक जो शर्ट जो पैर के पीछे था वो भी अच्छा था ना, पानी पे। मतलब कोरियोग्राफी बहुत अमेजिंग करी है, सेट बहुत अच्छा बनाया था। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी डार्किश वाइब देने की कोशिश करेगी थी, और वो चीज लगा। बाकी मस्त था। एक बता, एक नार के पीछे सौ बीमार, एक कहावत है, एक अनार सौ बीमार। सौ बीमार तो यहाँ पर अनार नहीं है, यहाँ अ हट चुका है, यहाँ पर नार है। बाकी मस्त था, और जो फेशियल एक्सप्रेशन थे मस्त लगे, फुल ऐसा लगा कि बाकी फैन फॉलोइंग तो इसकी भाई लड़कियों में तो है, लेकिन डांस देख के ना आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही मतलब कि कोरियोग्राफी नहीं है, नेचुरल लगता है। मतलब मेरे को देख के ना ऐसा लगता है कि आने वाले जो जनरेशन में वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स होने वाले हैं। ये चीज़ और फैन फॉलोइंग तो दिन पर दिन इतनी तगड़ी होती जा रही है कार्तिक की। प्लस एक जो जेस्चर होता है ना एक एक्टर का, वो देखा है हमने रियल लाइफ में, जितने भी इंटरव्यू होते हैं बहुत स्वीट है, फैंस के साथ भी ना बहुत स्वीट है। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा, तो कर दें लाइक और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।